आई होप आप सबने DDLJ मूवी तो देखी ही होगी। 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी मूवी एक पेरेनियल सेलर है, जिसे आज भी लोग टीवी पे और मराठा मंदिर में जाके देखते हैं, और जिसने अब तक 24 इयर्स में मोर देन $1 बिलियन कमा चुकी है। 1946 में एस्टेब्लिश हुई अमूल कंपनी ने ऐसे बहुत से पेरेनियल सेलर प्रोडक्ट बना चुकी है, जिसे आज भी लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। 1989 में रिलीज हुई स्टीफन कोवी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक पेरेनियल सेलर है, जिसे आज भी लोग यूजफुल समझते हैं, और जिसकी आज भी बिना कुछ मार्केटिंग किए मिलियन ऑफ कॉपीज सेल हो जाती है। इनफैक्ट 2014 में ऑथर ने भी एक बुक लिखी थी द ऑब्स्टेकल इन द वे करके, जिसकी इनिशियली ज्यादा कॉपीज नहीं बिकी थी, लेकिन आज वो बुक एक पेरेनियल सेलर है, जिसकी बिना कुछ मार्केटिंग किए हर हफ्ते 500 से भी ज्यादा कॉपी बिक जाती है। अब आई एम श्योर कि आप सोच रहे होंगे कि ये पेरेनियल सेलर एक्चुअली में होता क्या है। पेरेनियल सेलर बेसिकली उस प्रोडक्ट को कहते हैं जिसके रिलीज होने के बाद भी सालों तक मार्केट में उसकी डिमांड बनी रहती है, और बिना किसी टाइप की मार्केटिंग किए वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकते रहता है। इसलिए अब सवाल यहाँ ये आता है कि ये पॉसिबल कैसे है। हाउ इट इज पॉसिबल टू मेक अ प्रोडक्ट जो कि सालों तक वैल्यूएबल हो और जिसकी डिमांड सालों तक मार्केट में बने रहे। बेसिकली हर एक पेरेनियल सेलर प्रोडक्ट में एक कॉमन चीज होती है, जिसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का सिंपली मतलब होता है किसी और के थ्रू किसी पुरानी चीज के बारे में पता होना। एग्जाम्पल, टॉम एंड जेरी कार्टून 1940 में शुरू हुआ था, लेकिन आज भी हर बच्चा एनीवन बड़े लोग भी उस कार्टून को पसंद करते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसके वर्ड ऑफ माउथ की वजह से। हर एक जनरेशन के लोगों ने उस कार्टून की तारीफ की है, उसे अप्रिशिएट किया है, और इसी वजह से 79 ईयर्स के बाद भी टॉम एंड जेरी आज बहुत से लोगों का पसंदीदा कार्टून है। ऑथर रैन हॉलिडे ने पेरेनियल सेलर के ऊपर बहुत से रिसर्च किए हैं, जिससे उन्हें ये पता चला है कि ऐसे 3 तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी प्रोडक्ट की वर्ड ऑफ माउथ की वैल्यू इंक्रीज करके उसे एक पेरेनियल सेलर प्रोडक्ट बना सकते हो। इसलिए अभी मैं आपके साथ वही 3 स्टेप एकदम डिटेल में शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। नंबर 1, टाइमलेस। टाइमलेस का बेसिकली मतलब होता है ऐसी प्रॉब्लम पे फोकस करना जो पहले भी हुआ करती थी, आज भी हुआ करती है, और चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि फ्यूचर में भी हुआ करेगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। एग्जांपल, डेल कार्नेजी की लिखी हुई बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल 1936 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी लोग इस बुक को पढ़ते हैं और लाइफ चेंजिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और यूजफुल मानते हैं, और इसी वजह से बिना कुछ मार्केटिंग किए हर महीने इस बुक की हजारों कॉपी सेल हो जाती है, क्योंकि इस बुक का कोर टॉपिक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है जिसे 80 साल पहले भी लोग फेस करते थे, आज भी लोग फेस करते हैं, और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन भी फेस करेगी। इसलिए अगर आप भी एक पेरेनियल सेलर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले करंट ट्रेंडिंग टॉपिक, करंट सोशल टॉपिक और करंट इन्वेंशन जैसी टॉपिक को टोटली अवॉइड कर दो। यस, आपने सही सुना, क्योंकि ये सभी करंट ट्रेंडिंग टॉपिक टेम्पररी होती है, जिसे कुछ टाइम के बाद लोग डिस्कस नहीं करते। इसलिए एक पेरेनियल सेलर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछना होगा, ऐसी कौन सी एक प्रॉब्लम है जिसे आज से 10 साल के बाद भी लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 2, स्पेसिफिक। नॉर्मली ज्यादातर रेस्टोरेंट के मेनू में आपको घुमा फिरा के वही सब डिशेस देखने को मिलती है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में गया था जो सिर्फ और सिर्फ टिपिकली अरेबियन फूड प्रोवाइड करता था। वो होटल बेसिकली उन कस्टमर पे फोकस कर रहा था जिसने ऑलरेडी अरेबियन फूड टेस्ट कर चुके थे, एंड गेस व्हाट, उसका ये आइडिया सक्सेसफुल रहा। लोगों को उस होटल का खाना इंक्लूडिंग मी बहुत ही ज्यादा टेस्टी, डिलीशियस और डिफरेंट लगा। हर कोई उस होटल के खाने की तारीफ करने लगा था, एंड ड्यू टू वर्ड ऑफ माउथ दूसरे लोग भी उस होटल के खाने को टेस्ट करने लगे, और इसी वजह से देखते ही देखते उस होटल के कस्टमर ग्रो होने लगे। मैं जब भी कोई वीडियो की स्क्रिप्ट लिखता हूँ या एडिटिंग करता हूँ तो हमेशा एक स्पेसिफिक ऑडियंस को माइंड में रखते हुए अपना काम करता हूँ। अगर मैं स्टडी रिलेटेड कोई वीडियो बना रहा होता हूँ तो स्टूडेंट को माइंड में रखते हुए अपना काम करता हूँ। वहीं अगर मैं वर्क या बिजनेस से रिलेटेड कोई वीडियो बनाता हूँ तो ऑफिस एम्प्लॉय बिजनेसमैन को हमेशा माइंड में रखता हूँ, क्योंकि अगर उन स्पेसिफिक लोगों को मेरा वीडियो यूजफुल लगा, उन स्पेसिफिक लोगों को अगर मेरा वीडियो एकदम अच्छे से समझा, तो सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग तो उस वीडियो को अपने कॉन्टेक्ट में जरूर शेयर करेंगे,
जो इनडायरेक्टली मेरे व्यूज, मेरे ऑडियंस और मेरे सब्सक्राइबर को ग्रो करेगा। इसलिए अगर आप भी एक पेरेंटल सेलर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद से पूछना होगा कि आपका ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली किस टाइप की ऑडियंस के लिए, सो डेट आप उन स्पेसिफिक ऑडियंस को ही गैदर करके इम्प्रेस और सेटिस्फाई कर सको, क्योंकि आपकी यही ऑडियंस वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू सालों तक आपके प्रोडक्ट की इनडायरेक्ट मार्केटिंग करते रहेगी और जिसकी वजह से सालों तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकते रहेगा। नंबर 3, एक्सेसिबल। आप में से ज्यादातर लोगों ने डेस्पासिटो सॉन्ग तो सुने ही होंगे, जो YouTube पे सबसे ज्यादा बार देखने वाला वीडियो है विद ओवर मोर देन 6 बिलियन व्यूज। अभी इस वीडियो पे इतने सारे व्यूज इसलिए आए क्योंकि वो YouTube पे फ्रीली अवेलेबल है, जिसे आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस करके सुन सकते हो। लेकिन अगर सोचो कि अगर ये सॉन्ग वीडियो पेड होता और इस सॉन्ग को सुनने के लिए आपको पैसे पे करना होता तो क्या इस वीडियो पे इतने व्यूज आते? ऑब्वियसली नहीं। ऑथर ने 2014 में जब बुक लिखी थी द ऑब्स्टेकल इन द वे, तो इनिशियली उन्होंने उस बुक का प्राइस अराउंड $9.9 रखा था, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में उस बुक की बहुत ही कम कॉपी सेल हुई थी। इसलिए बाद में ऑथर ने उस बुक का प्राइस $9.9 से कम करके $3.33 कर दिया था। अब इसका इम्पैक्ट यह हुआ कि उस बुक का सेलिंग ग्राफ इंक्रीज होने लगा, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि आज भी बिना कुछ मार्केटिंग किए उस बुक की हर हफ्ते 500 से भी ज्यादा कॉपीज बिक जाती है। इनफैक्ट अमेजोन कंपनी का भी कहना है कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस वैल्यू कम होती है वो ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट करते हैं कंपेयर टू उन प्रोडक्ट के जिसकी प्राइस वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप भी एक पेरेनल सेलर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आपको बेसिकली दो चीज पे फोकस करना होगा। पहला, आपको उस प्रोडक्ट को इजीली एक्सेसिबल रखना होगा सो डेट हर कोई उसे कभी भी कहीं से भी यूज कर सके। दूसरा, आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस इनिशियली कम रखना होगा सो डेट हर कोई उसे अफोर्ड करके यूज कर सके, क्योंकि इट्स बेटर टू बी लेस पेड रेदर देन बीन लेस हर्ड। सो टू कंक्लूड, एक पेरेनल सेलर प्रोडक्ट लाइफ लॉन्ग इसलिए बिकते रहता है क्योंकि लोग हमेशा उसके बारे में बात करते रहते हैं। अब लोग उसके बारे में हमेशा बात इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे फोकस करता है, जिसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस रहती है जो हमेशा उसकी तारीफ करते हुए उसकी इनडायरेक्टली मार्केटिंग करते रहती है, और वो प्रोडक्ट हर किसी के लिए इजीली एक्सेसिबल भी होता है ताकि हर कोई उस प्रोडक्ट को इजीली यूज कर सके। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको रैन हॉलिडे की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पेरेनल सेलर से बताया हो। अगर आप भी अपने बिजनेस प्रोडक्ट को एक पेरेनल सेलर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो और पेरेनल सेलर के कॉन्सेप्ट को और डीपली समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो में बताए गए कॉन्सेप्ट यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आप कौन से पेरेनल सेलर प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, शेयर करो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ सो डेट वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। और अगर आप ऐसी और बुक समरी टाइप वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो सो डेट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।